हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिठू। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी आपेल का जैम। अभी आपेल का सीजन है तो इसलिए मैं आज आपेल का जैम बनाऊंगी। ये आपेल का तो बहुत कुछ बनता है, आपेल से मैं एक एक करके रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं बनाऊंगी आपेल का जैम जो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे के लिए अच्छा मीन्स बच्चे के लिए, बच्चे का बहुत ही फेवरेट होता है। बच्चों को बड़े को सबको ही फेवरेट है आपेल का जैम। तो बना के बहुत दिन रख भी सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा होता है। मॉर्निंग में बच्चों को टिफिन में, बड़ों को ऑफिस में देने के टाइम भी कुछ नहीं है, फटाफट आपेल का जैम ब्रेड में लगा के, रोटी में लगा के दे सकते हो। तो इसलिए आज मैं आपेल का जैम बनाऊंगी और बना के बहुत दिन रख भी सकते हैं आप लोग। एक कांच का जो जार है ना, इसमें भर के बहुत दिन तक आप लोग रख सकते हो, फ्रिज में कुछ नहीं होता। मैं तो हर साल इसे बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो कोई भी फ्रूट, आपेल, स्ट्रॉबेरी, वो सब का जैम बना के मैं घर में रख देती हूँ, तो बहुत दिन चलता है। तो ऐसे आज मैं बनाऊंगी आपेल का जैम और इसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग देखो, और सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तभी जाके मेरी न्यू रेसिपी आप लोग देख पाएंगे। और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं अभी शुरू करती हूँ कैसे आपेल जैम बनाते हैं। आपेल का जैम बनाने के लिए मैंने 3 आपेल ले लिया, और सबसे पहले आपेल को अच्छी तरह से मैंने वॉश करके ले लिया। और आपेल का जैम बनाने के लिए शुगर चाहिए और नींबू का रस चाहिए। मैं अभी अच्छी तरह से आपेल को छील लूँगी, छिलका निकाल दूँगी। इसके बाद मैं एक ग्रेटर के सहारे मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। आप लोग इसको छोटा छोटा करके काट भी सकते हो, लेकिन मैं क्या है ना, ग्रेट कर लूँगी आपेल को। तो चलिए पहले मैं आपेल का छिलका निकाल देती हूँ। आपेल का छिलका निकालना हो गया। अभी मैं इसे ग्रेटर के सहारे अच्छी तरह से आपेल को मैं ग्रेट कर लूँगी। आप लोग, पहले भी मैंने बताया, आप लोग चाहिए तो आपेल को छोटा छोटा करके काट के इसके बाद आप लोग बना सकती हो, लेकिन क्या है ना, ग्रेट करके बनाएंगे तो अच्छा रहता है और कुक होने में भी आपेल जल्दी नरम भी हो जाता है और बनाने में भी आसान होता है। इसके वजह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया। देखिए आपेल का ग्रेट करने के बाद आपेल का कलर कैसे चेंज हो गया। थोड़ा सा टाइम, आपेल थोड़ा सा टाइम रहता है तो पूरा ब्राउन कलर हो जाता है। देखिए कैसे थोड़ा सा ब्राउन हो गया, देखिए कैसे ब्राउन हो गया। तो चलिए मैं कढ़ाई बिठा दिया और आपेल को अभी मैं डाल दूँगी। इसमें कोई ऑयल का ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे शुगर से और बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें। कैसे कलर चेंज हो गया आपेल का, देखा आप लोगों ने? मैंने कुछ इसके साथ यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसको ग्रेट करते करते इसे कलर हो गया। तो थोड़ा सा इसे करके इसके बाद में इसमें शुगर मिक्स करूँगी। एक कटोरा शुगर में मैं इसमें मिक्स कर दिया। आप लोग शुगर अपने हिसाब से यूज़ करना। कोई कोई ज़्यादा मीठा खाते हो तो मीठा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और कहना आपेल बहुत ही मीठा होता है, तो आपेल में शुगर यूज़ करने के टाइम थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। आपेल ऐसे भी बहुत मीठा होता है। और इसमें मैं अभी एक दालचीनी और एक इलाच का जो सीड है वो मैं तोड़ के इसके साथ मिक्स करूँगी। इसको सिर्फ दिया क्योंकि इसका आपेल में जो जैम में थोड़ा सा खुशबू आएगा दालचीनी और इलाच का, इसके वजह से। तो अभी मैंने ढक दिया इसको 5 मिनट के लिए, दिखाती हूँ अभी 5 मिनट के बाद। देखिए कितना जूसी हो गया और आपेल भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया। और ये जो आपेल का जैम बनाने का टाइम, पूरा प्रोसेस में ही आप लोग गैस का जो फ्लेम है ना, बहुत ही कम करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। देखिए कितना जूसी पूरा कुक हो गया, देखा कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने बिल्कुल फूड कलर यूज़ नहीं किया, आपेल का जो नेचुरल कलर है इससे मैं बना रही हूँ। देखिए अभी भी थोड़ा जूसी है, लगभग हो गया। और भी थोड़ा सा कुक करना है, और भी थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें नींबू का रस और तो दालचीनी और इलाच जो मैंने डाला वो मैंने उठा दूंगी, क्योंकि उन लोगों का काम हो गया, जितना खुशबू देना हो गया उन लोगों ने खुशबू दे दिया। अभी मैं इसको निकाल दूंगी दोनों को और नींबू का रस दे दूंगी, हो गया।
और नींबू का रस डालने से क्या है ना, आपेल का जो एक खट्टा मीठा टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। आपेल ऐसे बहुत मीठा होता है। इसके बाद इसके ऊपर शुगर मैंने डाला, तो इसके लिए मीठा तो बहुत ही हो जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा मैं नींबू का रस डालूंगी, तो क्या है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पर नींबू का रस बहुत ही जरूरी है डालना, और बहुत दिन तक रहेगा आपेल का जैम। मैं दिखाती हूँ बाकी आप लोगों को इतना। और फूड कलर बिल्कुल नहीं डाला, फूड कलर डालेंगे तो बाजार जैसा कलर आएगा, बिल्कुल जैम का कलर आएगा। आप लोग सोचोगे जैम का कलर तो ऐसा नहीं, पूरा रेड, पता है आप लोगों को, इसमें रेड कलर डालते हैं। बाजार का मार्केट का जो जैम होता है ना, इसमें सब जैम में फूड कलर डालते हैं, लेकिन घर में जो बनाते हैं ना बिल्कुल फूड कलर के बिना। आप लोग चाहिए तो इसमें केसर डाल सकते हो, केसर से थोड़ा सा कलर आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं, अच्छा ही होता है। आपेल का एक अलग टाइप का वो कलर आता है, अच्छा होता है खाने में, जो एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल नेचुरल। आपेल का जो नेचुरल कलर है वही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं नींबू का रस डाल देती हूँ। देखिए आपेल का जैम बन के बिल्कुल रेडी हो गया। आप लोग कैसे समझेंगे जो आपेल का जैम बन के रेडी हो गया। स्पैचुला से देखिए बिल्कुल नहीं निकलता, देखिए बिल्कुल नहीं निकलता, बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया आपेल का जैम। और कलर भी कितना अच्छा आया देखिए, का बिना फूड कलर का, आपेल का जो नेचुरल कलर है ना वही है, देखिए कितना अच्छा हुआ। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसके बाद नींबू का रस मिला रही हूँ। मैंने 3 आपेल में एक छोटा सा नींबू का रस मिला रही हूँ, और नींबू का रस मिलाने के टाइम एक साथ नहीं मिलाना, धीरे धीरे मिलाना। 1 किलो आपेल में एक नींबू, बड़ा सा एक नींबू चाहिए, और 2 किलो आपेल में दो नींबू रस चाहिए। तो मैंने पूरा नींबू का रस 2 बार में मिला दिया। गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने। अभी मैंने जो दालचीनी का जो स्टिक डाला था वो अभी मैं निकाल दूंगी। ये दालचीनी का स्टिक और इलायची, ये सब आप लोग, इलायची आप ऑप्शनल है, आप लोगों को चाहिए तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। मैं खुशबू के लिए डाला। देखिए जैम बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अभी मैं सर्व कर लेती हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद कांच का बोतल में भर के रख दूँगी, अच्छी तरह से फ्रिज में भर के रख दूँगी, और बहुत दिन तक रहता है, बहुत दिन तक बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है आपेल का। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा और खाइएगा। तो आप लोग भी ऐसे जैम बनाइएगा, आपेल जैम, और घर में बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जैम को। सबसे जो बड़ी बात है घर में बना हुआ जैम का, इसमें फूड कलर बिल्कुल नहीं दिया मैंने, बिल्कुल नहीं दिया। आप लोग भी फूड कलर बिल्कुल नहीं देना, नेचुरल में जैसे नेचुरल आपेल का जो कलर आता है ना, उससे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग ऐसे घर में बना के रखिएगा, और बच्चे को मॉर्निंग में, टिफिन में, स्कूल में दे सकते हैं आप लोग, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, बिस्किट के साथ। बहुत ही हेल्दी है ये। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा जरूर और खाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी जो न्यू रेसिपी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट भी करना। ठीक है, टाटा।